हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। द नेम इज पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। हम यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हर चैप्टर वाइज कितने चैप्टर से कितने नंबर के आते हैं, तो हमारे इस चैप्टर से जो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ तो 4 to 6 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारे जो मेनली दिए जाते हैं वो 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और 1 मार्क्स में भी हमारे इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सो ये हमारा पूरा एक फंडामेंटल का चैप्टर है जिसमें हम बेसिक नॉलेज पूरी लेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल बनाया है जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चंस को। सो क्लास फर्स्ट ईयर में आप सभी ने पढ़ा होगा कि ट्रांजेक्शन से हमारा जर्नल एंट्री पास होती है एंड द बैलेंस ऑफ जर्नल एंट्री विल बी पास इन टू लेजर अकाउंट, द लेजर अकाउंट बैलेंस विल बी पास इन टू ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल थी। सेम एज इट इज यहां पर हमारा पार्टनरशिप में यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी अब। ठीक, किस तरह से स्टार्टिंग होती है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, तो वो ऑलरेडी आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे कि व्हेन टू और मोर देन 2% स्टार्टेड बिजनेस विद टुगेदर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो पार्टनरशिप होता है। और पार्टनरशिप के अपने अपने कंडीशंस होते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में देखे होंगे। मेरी क्लास फर्स्ट ईयर की भी वीडियो अपलोड हो रही है, अगर आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज में बेसिक रूल्स में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन जर्नल, ये सारा मेरा प्रोसेस था, लेकिन हमें जो मेन बताना है चीज आपको यहाँ पे कि ये सारे टर्म्स तो हमारे चलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारा फंडामेंटल स्टार्ट होगा पार्टनरशिप का वो पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन दोनों के बीच से स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, मीन्स हमारे इस चैप्टर में भी हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, फिर इसके बाद से बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लेकिन चेंजिंग क्या है कि पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में बहुत सारे अकाउंट्स आ जाते हैं जो अब हमारे इस चैप्टर में पूरे इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हमने यहां पर लिखा है पीएल अकाउंट, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हम फर्स्ट आता है हमारा पीएल अकाउंट, ये किस कंडीशन में बनाते हैं, इसके केसेस क्या क्या होते हैं, वो जब हमारा आगे टॉपिक आएगा तो सभी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिर्फ ये फॉर्मेट क्लियरेंस की क्लास है जिसमें हम आपके सारे फॉर्मेट को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है यहां के बाद से, अब यहां पर हमारा स्टेप शुरू हो जाएगा, विच इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर हम बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएल अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास फर्स्ट ईयर में जाने होंगे आप लोग, जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स की एंट्री करते थे सारी चीजों को डेबिट एंड क्रेडिट साइड में पोस्ट करके। अब यहां पर जो आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट, कि अब यहां पर हम एडजस्टमेंट करते हैं कुछ हमारे पार्टनरशिप फर्म के, जो कि पार्टनर्स को फर्म क्या क्या चीजें पे करती है और पार्टनर से क्या क्या चीजें रिसीव करती हैं। सो उन सभी की एंट्रीज हम अपने अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, मीन्स प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं कि अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है। क्योंकि जब हम पीएल अकाउंट बनाते थे तो हमें क्या पता चलता था, सिर्फ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चलता था और हमें लगता था कि यही हमारे फर्म की प्रॉफिट है। ठीक भी है, लेकिन उस प्रॉफिट में से अब किन किन लोगों को कितना पैसा दे देना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो फर्म का हमारा प्रॉफिट एक्चुअल होता है। सो फर्म एक क्या क्या चीजें पार्टनर को पे करती है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या क्या है और इनकम्स क्या क्या, उन सारी डिटेल्स को हम यहां पर फॉर्मेट में देखेंगे। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनता है वो होता है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये दोनों केसेस अलग अलग हैं कि कब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड कब हम अपना करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का। तो ये हमारा फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट देते हैं अभी, जिससे हम जब उस टाइम बताए तो एकदम अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट इज हमारा जो यहां पर होता है वो फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहां पर हम वो बात नहीं कर रहे जो आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, जो बिजनेस की थ्योरी में पढ़ा होगा। यहां पर हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन से पार्टनरशिप में फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होते हैं। तो जो फिक्स्ड कैपिटल होता है और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है वो यही है।
कि जब भी हमारा क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का होगा तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जब भी हमारा क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का होगा तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहां पर दोनों अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जब हम फॉर्मेट एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो और नेक्स्ट स्टेप, आप ये प्रिपेयर करने के बाद लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट। तो ये हो जाता है हमारा अब नेक्स्ट स्टेप जो यहां पर है। तो इन दोनों अकाउंट्स के बीच में हमारे ये दोनों अकाउंट सब आ जाते हैं। रूल्स हमारे वही फॉलो होंगे, सारी चीजें वही है। हम प्रैक्टिकली इसको अच्छे से पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं और फॉर्मेट को किस तरह से हम लर्न करते हैं। तो यहां पर हम एक चीज बता दे रहे हैं आपको, कोई भी चीज लर्न नहीं करना है, मैं आपको यहां पर हर चीजों को याद करने की ट्रिक्स सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम अपनी वीडियोस में आपको सारी चीजों के ट्रिक्स सिखा देंगे जिससे कि आपको वो चीजें लाइफ टाइम तक हमेशा याद रहें, क्योंकि हम आज जो चीज पढ़ रहे हैं हमें उसका बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है। सो हमें उस टाइम तक सारी चीजें लर्न रहे, तो अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कुछ ट्रिक्स हम चीजों को समझेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मेट को, विच इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब स्टार्ट करेंगे अपना, तो फॉर्मेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं यहां पर बनाता हूं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पीएल अकाउंट भी जब प्रिपेयर करते थे तो वहां पर फॉर्मेट आता था पीएल अकाउंट, और उसके नीचे हम लोग मेंशन करते थे क्या, फिर फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और जो ईयर होती थी हमारी वो ईयर हम मेंशन कर लेते थे, ये हमारा इतना वर्क होता था। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वर्क होता है वो क्या है, इसके फॉर्मेट को देखना कि इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरह से हम इसकी एंट्रीज को सभी पास करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखते चलेंगे जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग पूरा वीडियो रेगुलरली देखते रहिएगा जिससे कि मैं जो भी चीजें ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूं लर्न करने के लिए वो आपका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लर्न होती रहे। सो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हमेशा करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्मेट अगर करेक्ट रहेगा तो आपको उसके भी ऊपर आपको प्लस मार्किंग मिलती है, स्टेप मार्किंग हमारे होती है। सो यहां पर फॉर्मेट में जैसा कि लेजर का फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट यहां पर वही है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे हो गए, और इस कॉलम में हमने नोट किया अपना पर्टिक्यूलर्स, एंड इस कॉलम में हम अपने अमाउंट को दिखाते हैं। फिर ये हमारा क्रेडिट साइड है जिसमें एज इट इज पर्टिकुलर्स, और यहां पर हम अपने अमाउंट को शो कर देते हैं। तो ये चीजें तो हमने इतनी दिखा दिया, लेकिन यहां पर अब लेजर का वो सब फॉर्मेट नहीं आएगा जिसमें हम लोग जर्नल फोलियो भी दिखाते थे, डेट भी दिखाते थे, इन सभी का भी यहां पर हमारा कोई काम नहीं, हमें सिर्फ इतना ही फॉर्मेट देखना है। अब फॉर्मेट जो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, तो ये फर्म बना रही है ये जानने के लिए कि फर्म ने पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे किया और कितना अमाउंट पार्टनर से रिसीव किया। तो हम इसका सबसे सिंपल ट्रिक्स में चीजों को समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये है एक फर्म, ठीक है, ये है एक हमारी फर्म, और ये जो फर्म है यहां पर हमारे पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई दो पार्टनर इमेजिन कर लिए कि ये हमारे दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर का नाम हम मान लेते हैं ए है और दूसरे का मान लेते हैं बी है। मैंने क्या कहा कि फर्म जब भी कोई अमाउंट पे करेगी तो उसके लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जब भी कोई अमाउंट रिसीव करेगी तो उसके लिए इनकम और प्रॉफिट। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। आप हमारे क्लास फर्स्ट ईयर की वीडियो भी साथ ही में अपलोड हुई है, इससे आप गोल्डन रूल्स को देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, क्योंकि अगर वो रूल्स आपको क्लियर है स्टूडेंट तो ये गारंटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के भी न्यूमेरिकल में। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर वो रूल्स अगर आपको क्लियर हो गए तो फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ सीए सीएस बी कॉम किसी भी कॉमर्स एजुकेशन को अगर आप जाते हैं करने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये है पार्टनर्स, अगर तो पार्टनर्स गए फर्म में और कैपिटल इन्वेस्ट करके आ गए। अब क्या होगा, पूरा फर्म वो रन करते हैं और उसके बाद से क्या होता है, फर्म जो है पार्टनर्स को क्या देगी, सैलरी देगी, ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म में मेहनत किया। तो फर्म का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है कि पार्टनर्स को सैलरी देना। तो फर्म ने क्या किया, पार्टनर्स को सैलरी पे कर दिया। फिर हो सकता हो किसी पार्टनर ने कुछ उसमें और कंट्रीब्यूशन किया होगा, अपना कुछ और नॉलेज एफर्ट दिया होगा, तो हो सकता हो फर्म उन्हें क्या दे सकती है, पार्टनर को कमीशन भी दे सकती है, तो कमीशन भी पे कर दिया। पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो फर्म की क्या लायबिलिटी है कि उनको उस पर इंटरेस्ट दे। जैसे कि हम लोग अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें रिटर्न में क्या देती है, इंटरेस्ट। उसी तरह से पार्टनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके फर्म स्टार्ट किया, सो फर्म की उस कैपिटल के ऊपर क्या होगा, पार्टनर को क्या देगी फर्म,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देती है। तो ये तीन चीजें हो गई। और क्या होता है एक्सपेंसेस इनके लिए, और रिजर्व के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, मैं यहां पर कॉर्नर पे नोट कर दिया हूं। ये सारी चीजें फर्म पे करती है। अब रिसीव क्या चीजें करती है, तो फॉर एग्जांपल हो सकता हो पार्टनर को सिर्फ एक ही चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में ही, तो क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था ड्रॉइंग, वही कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा कि एनी प्रोप्राइटर हु विथड्रॉस मनी और एसेट्स फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम हिज बिजनेस नोन एज ड्रॉइंग। तो अगर किसी पार्टनर ने फॉर एग्जाम्पल अपने ही फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो फर्म के लिए तो हो गया ड्रॉइंग। अब फर्म क्या कहेगी कि जब तुमने हमारे फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो हमने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, तो अगर तुमने हमारे पास से पैसा विड्रॉ किया तो तुम भी हमें इंटरेस्ट पे करो। तो अब क्या कंडीशन आई कि पार्टनर ने फर्म को क्या पे किया होगा, तो अगर पार्टनर ने फर्म के अकाउंट से पैसा 100 रुपए निकाले फॉर एग्जांपल, तो जब वापस रखने जाएगा तो वो हो सकता हो 110 रुपए रखेगा, तो 100 रुपए 100 रुपए तो कैंसिल हो जाएंगे, बट जो 10 रुपीज है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम यहां पर नोट कर रहे हैं। ये समझाने का आपको पैटर्न है कि इन केस अगर आप फॉर्मेट भूल जाते हैं तो आप ऐसे लॉजिकली सोच के तुरंत अपने फॉर्मेट को तुरंत प्रिपेयर कर सकते हैं, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंसिंग करते हैं। सो बैलेंसिंग हम कर देंगे अभी। तो फिर पहले हम सबसे अपने पहले पार्टनर के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना देते हैं। तो जैसा कि हम पहले एक्सपेंसेस वाले साइड को देख लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्सपेंसेस हो गए और इनकम में मुझे सिर्फ एक चीज दिखती है। तो हम सबसे पहले इनकम वाला, ये वाला जो साइड है क्रेडिट वाला, ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मेंशन किया है, एक चीज और होती है, जैसा कि अभी हमने जस्ट अकाउंटिंग साइकिल में बताया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ठीक पहले कौन सा अकाउंट बना था, पीएल अकाउंट बना था। इट मींस दैट कि जो हमारी साइकिल थी, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का बैलेंस गया पीएल में और पीएल का बैलेंस आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो किधर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई यूज करते हैं और लिखेंगे क्या यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा वो हम यहां पर नोट कर देंगे। हम सिंपली क्वेश्चन को एकदम ऐसे प्रोसेस में बताते चलेंगे आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फर्म के लिए पहला पॉइंट हो गया प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसके बाद, बस वो एक ही चीज हमें दिखता है कि फर्म को क्या मिलेगा, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कोई अमाउंट तो पार्टनर उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, विच इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने मेंशन कर दिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए और बी पार्टनर एज्यूम किए हैं, तो ए का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा और जो बी का इंटरेस्ट अमाउंट होगा, दोनों ही अमाउंट आपस में हम ऐड करके फिर अपना ये फाइनल अमाउंट यहां पर दिखा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्रेडिट साइड पूरा, बैलेंसिंग हम लास्ट में करना सिखाएंगे। तो मैंने पोस्टिंग किया, क्रेडिट कंप्लीट। अब आते हैं डेबिट वाले पोर्शन पे कि फर्म ने अब क्या क्या पे किया। तो अब देखिए, फर्म ने पे किया सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, तो ये सब क्या है फर्म के लिए, लॉस हो गए, ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो अब हम आएंगे फर्म के इधर लेजर के डेबिट साइड में, विच इज टू से मेंशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने सैलरी पे किया, तो अब यहां पर मेंशन कर देंगे क्या, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। और यहां पर अगर मान लीजिए ए पार्टनर को सिर्फ सैलरी मिला है, तो सिर्फ ए के लिए लिख देंगे ए सैलरी, सिर्फ बी को मिला है तो लिख देंगे हम बी सैलरी। लेकिन अगर दोनों पार्टनर को मिला है तो मेंशन करेंगे सैलरी टू पार्टनर, और फिर यहां मेंशन करेंगे ए बी, ए को जो सैलरी मिला है और बी को जो सैलरी मिला है, दोनों अमाउंट दिखा के फिर फाइनल अमाउंट दिखा देंगे। अगर किसी सिंगल पार्टनर को मिला होता सैलरी, तो बस यहां नाम मेंशन कर देते ए सैलरी या बी सैलरी, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट अमाउंट दिखा दिए होते। फिर नेक्स्ट चीज है, ये हो गया। अब इसके बाद से कमीशन पे किया होगा फर्म ने, तो अगर कमीशन पे किया होगा तो सेम प्रोसेस लिखेंगे क्या यहां पर, कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। और कमीशन टू पार्टनर्स, अब अगर सिर्फ एक पार्टनर को कमीशन मिला होगा तो लिख देते एस कमीशन, सिर्फ बी को मिला होगा तो लिखते बीस कमीशन, अगर दोनों को मिला होगा तो लिख देंगे कमीशन टू पार्टनर मेन हेडिंग, और यहां पर मेंशन करेंगे ए बी, ए को जो कमीशन बी को जो कमीशन, फिर फाइनल टोटल करके हम यहां पर दिखा देते हैं। कमीशन का भी पोर्शन हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस पार्टनर ने क्या किया होगा, जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी। सो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो मींस टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तो लिखने की वो जरूरत नहीं क्योंकि जाहिर सी बात हम यहां पर मेंशन करने जा रहे हैं, ए और बी दोनों ही पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा जिसके ऊपर फर्म क्या करेगी, इन्हें इंटरेस्ट देती है। तो यहां पर हमने इनके इंटरेस्ट अमाउंट को दिखा दिया। एंड द लास्ट इज रिजर्व, तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया टू रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस पूरा आ जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहां पर बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं, तो यहां पर हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं आपको, तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर आता था, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होता था डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, तो हम क्या मेंशन करते थे वहां पे, जो डेबिट और क्रेडिट साइड में होता था, तो अगर डेबिट में पैसा कम पड़ता था तो हम लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और क्रेडिट में कम पड़ता था तो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ये डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हम बता रहे हैं। तो जब ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे तो यहां पर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्रॉस साइड जाता था और ग्रॉस लॉस इधर क्रॉस साइड आता था, ठीक। फिर इसी तरह से जब हम पीएल अकाउंट ये बनाते थे तो ग्रॉस लॉस इधर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, और जब पीएल अकाउंट की बैलेंसिंग करते थे तो नेट प्रॉफिट आता था और नेट लॉस आता था, यही चीज होती थी। तो अब जब पीएल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, विच इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर लॉस होगा तो वो इधर डेबिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो वो इधर क्रेडिट साइड में, देखिए वही चीज यहां पर हुआ है। तो इसका आ गया, लेकिन तो ये तो बैलेंस तो आ गया नेट प्रॉफिट का, क्रेडिट साइड में देखिए चला गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमने बात क्या बताया बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट, तो यहां पर मेंशन करते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सेम प्रोसेस फिर यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, अब जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो अब हमें प्रॉफिट ही पता चला होगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ है यहां पे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसा कि हमें दिख रहा है हमेशा कि डेबिट में पैसा कम पड़ता है तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो यहां भी अगर कम पड़ता है केस में डेबिट में तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट, वही ठीक है ना, ब्लू इंडिकेट कर दे रहे हैं, लिखेंगे क्या हम प्रॉफिट, फिर लिखेंगे ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर कहां हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल, तो प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने मेंशन कर दिया। कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, तो ए और बी, और दोनों में जो प्रॉफिट का हिस्सा बैलेंसिंग आएगा ये हो गया बैलेंसिंग अमाउंट। तो इस बैलेंसिंग अमाउंट को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इनके इक्वल रेशियो में और जो भी रेशियो डाटा गिवन होगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम हमेशा इक्वल रेशियो मानते हैं, इक्वल मींस 1:1 का रेशियो होता है, ठीक। और अगर कभी कोई और कंडीशन आती है तो कभी कभी कैपिटल रेशियो भी निकालने के लिए कहता है, उस सारा केस हम अपने न्यूमेरिकल के वीडियो में बताएंगे। फिर लेकिन अगर इन केस में, तो यहां पर अगर हमारा फॉर एग्जांपल पैसा इधर कम पड़ा तो ये बैलेंसिंग हो गई, अब इधर क्या कर देंगे हम टोटल लाइन करके, ठीक, और दोनों साइड हम फाइनल अपना अमाउंट टोटल निकाल देंगे और ये हमारा अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएगा और फिर ये अपना हम पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड इक्वल हो गए। लेकिन इन केस अगर हो सकता हो पैसा इधर ना कम पड़ा, ठीक है, पैसा हमारा डिफरेंस आया क्रेडिट साइड में, बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ गया तो इधर नहीं लिखेंगे, इधर साइड आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय सेम एज इट इज लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल, और या फिर अगर करंट है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग डिपेंड करता है कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल वर्ड जो मैंने यूज किया है तो ये कैपिटल लिखेंगे कब, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस होगा अभी हम बता देंगे, और जब हम फिक्स्ड यूज करेंगे तो यहां पर करंट यूज हो जाएगा। तो अभी हम इस फॉर्मेट पे अगर ऊपर आते हैं, So, ये हो गया हमारा ए और बी जो दोनों पार्टनर हैं उनके बीच में जो भी लॉस का अमाउंट था वो डिफरेंस हो गया। अब याद क्या रखना है, मैंने दोनों साइड लिख तो दिया है लेकिन या तो पैसा इधर कम पड़ेगा या तो इधर डिफरेंस आएगा, इधर डिफरेंस आएगा तो ये यूज होगा ये नहीं, और इधर डिफरेंस आएगा अगर तो ये यूज होगा ये नहीं होगा। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टर्म था।
अब इसके बाद से जर्नल एंट्रीज भी आती हैं। प्रोसेस हमारा थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इसीलिए करेंगे कि आज का हमारा जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको। फॉर्मेट हो गया, फिर जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं अभी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपको याद नहीं करना है स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा, याद करेंगे आप तो आप एक टाइम के बाद डेफिनेटली उस चीज को भूल जाएंगे। तो हमें भूलना नहीं है, हमें क्या करना है उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे अगर, तो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। आप भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे, मैं ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा आपको। तो जैसे हम आते हैं अपने जर्नल एंट्री के पोर्शन पे, सो यहां पर हम पास करेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनती है, मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि एक ही बार में हो जाएगा। फर्स्ट हम बताते हैं जैसे कि हमने डेबिट साइड में कोई चीज लिखा लेजर के, तो हम जर्नल से लेजर तो पास कर लेते हैं, तो लेजर से हम जर्नल भी पास कर सकते हैं। जैसे जिस सीढ़ी से हम छत के ऊपर जाते हैं सेम वैसे ही हम नीचे भी आते हैं, तो बस वही उल्टा प्रोसेस हमें कर लेना है। जस्ट ऑपोजिट करेंगे हमारी एंट्री तुरंत पास हो जाएगी, याद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से है, डेबिट साइड में हमने लिखा है टू सैलरी टू पार्टनर, या डेबिट साइड में हमने जो भी डाटा नोट किया अपने लेजर के, तो याद रखना है लेजर के डेबिट साइड में जितने डाटा नोट हुए हैं ये सब जर्नल में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ऑपोजिट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेबिट साइड में जितने डाटा नोट होंगे वो जर्नल में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो डेबिट क्या होगा फिर जर्नल के अकॉर्डिंग, वो होगा जिसका हम लेजर बना रहे हैं, विच इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम एज इट इज फॉर दिस आल्सो, क्रेडिट साइड पे जो भी डाटा नोट हुए हैं वो जर्नल में क्या हो जाएंगे, फिर डेबिट हो जाएंगे। जस्ट ऑपोजिट, तो क्रेडिट क्या होगा जिसका हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था, इसको दूसरी टेक्निक से भी हम समझा सकते हैं कि जब डेबिट साइड में कोई डाटा की हम जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं तो जिसका लेजर है वो हमेशा डेबिट होगा और ये हमेशा क्रेडिट होगा। और अगर क्रेडिट साइड के डाटा की जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं तो याद रखना है कि तब ये डाटा हमारा क्रेडिट होगा और ये सारे डाटा हमारे जस्ट ऑपोजिट डेबिट होंगे। तो जैसे कि हम जर्नल एंट्री अगर बताते हैं तो मैं एक यहां पर बता देता हूं बाकी ये सब हो जाएंगे, और एक इसके बता देता हूं बाकी ये सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा सैलरी टू पार्टनर्स की एंट्री पास करनी है, ठीक है, ए सैलरी बी सैलरी, तो ये क्या है यहां पर डेबिट साइड में, तो जर्नल में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। और अगर ये क्रेडिट हो गया जर्नल में, फॉर एग्जाम्पल टू सैलरी टू पार्टनर हमने मेंशन किया, ठीक, ए सैलरी बी सैलरी जो दिया होगा उसे लिख सकते हैं। और अगर ये क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ जिसका लेजर है, फॉर एग्जाम्पल डेबिट हो गया हमारा पीएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से बाकी सब भी कर लेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और फिर ये हमारा आएगा इधर साइड। तो यहां पर देखिए आप लोग पीएल अकाउंट लिखा है क्या क्रेडिट साइड में, तो ये क्या होगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी पीएल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या होगा जिसका लेजर है, पीएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा हो जाएगा यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्या है क्रेडिट, तो जर्नल में क्या होगा ये डेबिट, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा जिसका लेजर है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। सेम एज इट इज फॉर दिन इन दोनों के लिए, लेकिन हम यहां पर बता दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। सो स्टूडेंट्स ये हमारी जर्नल एंट्री थी, इसके लिए आप लोग चाहे तो ये सारी जर्नल एंट्रीज बुक्स में तो दिए ही हैं आपके, लेकिन जो ट्रिक मैंने सिखाया बस आपको वही याद रखना है, ठीक। अब हम आते हैं अपने इन दोनों के जर्नल एंट्रीज पे, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, इसे हम इरेज करते हैं यहां से, और अब हम आते हैं यहां पे। तो अब यहां पर कंडीशन आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं आपको उस टेक्निक को ही अप्लाई करके आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये क्या है डेबिट साइड में है, तो अगर ये डेबिट साइड में है तो जर्नल में क्या होंगे ये क्रेडिट साइड में होंगे। तो डेबिट क्या हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन, तो यहां हमने लिखा पीएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, लिख देंगे यहां पर हम एस कैपिटल अकाउंट, और दूसरे साइड लिख देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा एक जर्नल एंट्री, ठीक। ये किसके लिए है, अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तब।
और अगर लॉस है तो यहां पर ये क्रेडिट साइड में, तो यानी ये पार्टनर्स क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो पार्टनर्स डेबिट हो गए तो जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लेजर किसका है, पीएल अप्रोप्रिएशन का, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे पीएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी जो जर्नल एंट्री बनी इट इज फॉर लॉस। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था पीएल अप्रोप्रिएशन का, एकदम सिंपल तरीके से फॉर्मेट को समझने का। अब इसके बाद से हमने जैसा कहा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कब बनते हैं, इनके टाइप्स किस तरह से हैं, सो ये वीडियो हमारा ये अप्रोक्स अच्छे से आप लोग अगर समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ें, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत आराम से टाइम है, हमारे पास बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बस आपको मार्किंग पैटर्न जो मैंने बताया वो अच्छे से रखना है, और मेरे वीडियोस को आप लोग रेगुलरली देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रॉब्लम को बता भी सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड है, और अगर इनकेस में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर ये भी हो सकते हैं इस बार बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पे आए हुए हैं हमारे बोर्ड्स में, तो बुक्स में सब बहुत सारी चीजें सिलेबस चेंज भी हुए हैं, वो सारी चीजें मैं अपनी वीडियोज में बताता रहूंगा, बस आप रेगुलरली अपडेट रहिए, क्लासेस रेगुलरली हमारे ऑनलाइन करते रहिए, जिससे कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और एग्जामिनेशन से बहुत पहले हमारे सारे पूरे सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएंगे, और इसके बाद से मैं सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। जैसे जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड या पर्टिकुलरली उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं सीबीएसई बोर्ड में आने वाले या आईएससी या जिस भी बोर्ड में हमारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये दोनों के लिए हमारे हैं, सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड दोनों के लिए सेम पैटर्न हमारा है, तो दोनों में ही हम पूरे बोर्ड के क्वेश्चन एक पिक करेंगे और अच्छे से हम सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको इंडिविजुअली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन के पिक क्लिक करके अच्छे से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने फिर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स का, आप अगर भेजेंगे तो सिर्फ आपका हेल्प नहीं होगा, वो सभी का हेल्प हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप लोग रेगुलरली अपडेट करते रहिए, क्लास करते रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा जरूर से, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको रेगुलरली अपडेट वाइज मिलते रहे, क्योंकि अभी हमारी वीडियोस डेली अपडेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।